तो आज की सुबह इन बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों के साथ करते हैं, जो कि भगवान जी पे चढ़ाने वाला फूल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है आ गई हूँ फूल लेने, और आज है कुछ खास। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं माला बनवा रही हूँ, और खड़ी हूँ तो माला बना रही है फूलों की, और मैं खड़ी हूँ। अभी मॉर्निंग का जो है 8:30 हो गए हैं और मैं आई हूँ फूल लेने। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग। तो यहाँ पे जो है 6 बजे उठी हुई हूँ और एक मिनट का भी सांस लेने का फुर्सत नहीं है मुझे। और अभी ये देखिए 10:10 हो गए हैं, और पूरा सामान वगैरह जो है मैं ले आई हूँ इस तरीके से पूरा। और अकेली हूँ ना, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इतना, मतलब और अभी बाथरूम में पानी चल रहा है। तो अभी जाऊंगी, नहाऊंगी, रेडी होंगी, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है आपसे। सारा सामान है, फ्रूट है, नारियल है, इसमें मिठाई वगैरह है, बूंदी वगैरह, फूल है, केला है, और इधर भी दूध वगैरह है। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान ले आया। तो मैं यहाँ पे जैसे ही बाथरूम में गई, ये लोग आना शुरू कर दिए थे, क्योंकि 10:30-11 बजे बोल ही रखे थे कि पूजा शुरू करवाएंगे। तो मैं जैसे ही गई और मुझे सामान लाने में लेट हो गया था, तो बाथरूम में जैसे ही मैं रेडी होने के लिए नहाने के लिए गई, वैसे ही ये लोग आ गए थे। तो मैं नहावा के कपड़े चेंज कर रही थी, रेडी हो रही थी, जब तक ये लोग जो है माता की चौकी लगा रहे थे, यानी कि जो है टेबल पर सजा रहे थे। मैंने जो है कीर्तन कभी नहीं देखा है, किसी का कभी नहीं देखा है, और ना ही किया है। ये मैं पहली बार कीर्तन करवा रही हूँ और देख भी रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये भी हो रहा था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, यही सब सोच रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कलश वगैरह है, ये लोग सभी करवा रही हैं और रेडी कर रही हैं। और लगभग यहाँ पे 18 से 19 लोग आए थे सभी मिला करके, और काफ़ी, मतलब डर तो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ। तो यहाँ पे कलश वगैरह रेडी कर लेंगे, उसके बाद जो है मैं भी इसका पूजन वगैरह करके आगे का कीर्तन स्टार्ट होगा। तो मैं जो है रेडी होके आ गई हूँ, उसके बाद पूजा कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से मेरी एक फ्रेंड है, उसने ही ये वीडियो बनाया था, तो मैं अपलोड कर पा रही हूँ, नहीं तो फिर वीडियो तो सवाल ही नहीं उठ रहा था कि मैं पूजा करूँ और कोई मेरा वीडियो करे। तो वो वीडियो कर रही थी, तो काफ़ी हेल्प हो गया। तो जूही, थैंक यू सो मच, अगर आप वीडियो ये देख रहे हो तो इस वीडियो के लिए दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे जो है पूजा वगैरह लोग करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने कभी किसी का देखा नहीं है। तो पूजा करने के बाद रक्षा सूत बांध रहे हैं, और पतिदेव साथ रहते तो और अच्छा लगता, उनकी कमी बहुत खल रही थी मुझे यहाँ पे। मतलब पूरा पूजा में ही लग रहा था कि पतिदेव होते, लेकिन कहते हैं ना क्या ही कहें, फिर भी जैसा हुआ बहुत अच्छा पूजा वगैरह हो गया है। भगवान मेरे पति को हमेशा, मेरे बच्चों को खुश रखे और अच्छे रखे, मेरा गोद और मेरी सुहाग हमेशा सलामत रहे, बस यही कहूँगी। और माता रानी की कृपया हुई तो जल्दी ही दोबारा भी करूँगी। तो यहाँ पे जो है पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं पैसे वगैरह जो है चढ़ा रही हूँ, और फल फूल देख सकते हैं कितना लेके आई हूँ। उसके बाद जो है कीर्तन स्टार्ट हो गया, जो भी मेरे से यहाँ पे डांस करती हैं उनको जो है मुँच करके पैसा रखना होता है, ये पहले ही बोले थे ये लोग कैसा करना है। तो तो ज़्यादा लोगों से तो जान पहचान है नहीं, तो ये मेरी एक फ्रेंड है, ये आई थी, और उसके बाद एक लोग और आए थे, मतलब बुलाए थे तो ये 5-6 लोगों को, जिसमें 3 लोग ही आ पाए। तो ये मेरी एक फ्रेंड है,
ये आई थी इनका आप लोगों ने देखा होगा, ये विशाखापट्टनम में जो है फ्लैट ले रखी थी, उस टाइम मैं गई थी तो इनके घर पे ब्लॉग बनाई थी, तो वही है ये। और यहाँ पे ये आई हैं और एक दो लोग और आए हैं, तो यहाँ पे जो है भजन कीर्तन हो रहा है और सभी लोग लगभग मतलब 17 से 18 लोग आए थे सभी मिला करके, तो यहाँ पे सभी लोग जो है कर रहे हैं। तो यही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरे लिए शूट की है, तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से जूही। तो ये जो है विशाखापट्टनम में फ्लैट ले रखी है, इनका ब्लॉग जो है मैंने बनाया था जो गृह प्रवेश कर रही थी वो, तो ये मेरी एक फ्रेंड आई थी, 4 से 5 लोगों को मैंने बुलाया था लेकिन उसमें से 2-3-4 लोग ही आ पाए, तो यहाँ पर जो है हो रहा है बाकी। तो यहाँ जो है कीर्तन वगैरह में भजन वगैरह हो रहा है, और नीचे जो आपको दिख रही है ये दोनों जो है मेरी फ्रेंड है, ये मैंने ही बुलाया था, और ये मेरी फ्रेंड है, बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इसको साथ में। ये लास्ट है और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पे जो है नीचे थोड़ी देर के लिए चली गई थी समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए, तो इन लोगों को नाश्ता वगैरह भी मैंने करवाया था क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग यहाँ पे थे, तो समोसा कोल्ड ड्रिंक्स खिला पिला दिया और चाय साथ में, और उसके बाद जो है ये लोग जा रहे हैं तो वही आशीर्वाद वगैरह दे रहे थे, और मैं कह रही थी कि कुछ गलती वगैरह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से पूजा वगैरह हो गया, काफ़ी मतलब संतुष्टि मिली कर के, तो सभी लोग जा रहे हैं और लोगों को विदा कर देते हैं। तो सभी लोग जो है चले गए हैं, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ अच्छे से, क्योंकि उस टाइम मैं बना नहीं पा रही थी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी देवी देवताएं हैं यहाँ पे, राम लक्ष्मण और सीता, हनुमान जी और मेरी दुर्गा माँ, और ये कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, और ये कलश है, और ये जो दिया है ना वो 24 घंटे यानी कि एक दिन जलना चाहिए, तो इसका घी का दिया जल रहा है, और इस तरीके से जो है हमारा पूजा हुआ है। तो फाइनली ये प्रसाद है और यहाँ पे रखा हुआ है, मिठाई वगैरह है, बहुत सारे फ्रूट वगैरह चढ़े हुए थे तो बाकी तो वो लोग लेके गए प्रसाद, और बाकी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है पूजा वगैरह हो गया है, सभी लोग चले गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा घर खाली हो गया है और पर्दे वगैरह ऐसे हो गया है। बेड को जो है मैंने बेड को यहाँ से खींच करके वहाँ पे डाल दिया था, तो अभी मैं जैसा था वैसे कर ली हूँ, और लोग आए हुए थे आप लोगों ने देखा, तो अभी फाइनली जो है पूजा हो समाप्त हो गई है। और ये जो ज्योत जल रहा है ना, ये देखिए ये ज्योत जल रहा है ना, वो ज्योत उन्होंने कहा है कि 24 घंटे तक जलना चाहिए, तो वो 24 घंटे तक ज्योत जलेगी। और फिलहाल मैं सुबह के 6 बजे से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, 1 सेकेंड के लिए भी बैठी नहीं हूँ, घर में बच्चे नहीं थे और पति देव जी भी नहीं है, ऑफिस के काम से कुछ बाहर गए हैं 1-2 दिन के लिए, तो वो आ जाएंगे तो फिर वो घर में है नहीं और सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। मैं सोची थी कि वो आ जाएंगे तब करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे आराम से, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने किसी ने कहा कि भादों में पूजा नहीं करते हैं, सावन चल रहा है, अच्छा दिन है कर लो, तो मैं सोची थी कि 16 तारीख को करूँगी, तो 16 या 17 को करूँगी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर 16-17 चल रहा था ऐसे ही। फिर जो कीर्तन मंडली है जो कीर्तन वगैरह करवाती हैं
उन्होंने कहा कि कल ही करवा लीजिए, और उसमें से एक जो है गांव जा रही थी, छुट्टी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बात बात कर रही हैं तो कल ही करवा लीजिए। तो एक ही दिन में सारा सामान लाना, प्रसाद का एक एक चीज़ लाना, माला फूल सब कुछ, जैसा कि आप लोग सुबह से मेरे वीडियो देख रहे हो, तो सब कुछ लाना। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी हेडेक हो रहा है मुझे बहुत। तो ज़्यादा तो मुझे कुछ परेशानी होती नहीं है क्योंकि काम करने का आदत है, तो मुझे सबसे ज़्यादा हेडेक होता है, सर में दर्द हो जाता है। आप लोगों को पता है माइग्रेन प्रॉब्लम की वजह से तो सर में दर्द हो जाता है, इसी वजह यही कारण है कि मैं वो नहीं ज़्यादा कुछ कर पाती हूँ। फिलहाल बहुत अच्छे से जो है माता रानी का जो है कीर्तन वगैरह हो गया है फाइनली। कहते हैं ना, माता रानी जब अपना पूजा चाहती हैं तभी होता है, अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। बस यही है, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि माँ ने मुझे याद किया और मेरे घर आई और कीर्तन वगैरह मैं करवाई। बहुत अच्छा लगा, माँ की कृपया रही तो फिर से करवाऊँगी, जल्दी ही करवाऊँगी, क्योंकि करवाने के बाद ना काफ़ी मन में सुकून मिल रहा था, और पतिदेव नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि कोई है नहीं, अकेले पूजा कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, माता रानी ने चाहा, माता रानी ने याद किया, यही मेरे लिए बहुत है, मेरे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। और ज़्यादा क्या कहूँ इस वीडियो में, चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ। शाम जो है फिर से जो है इसकी इनकी पूजा वूजा करनी है, कल करनी है, कल विसर्जन वगैरह करनी है, तो सब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।